dani daba. तो आज मैं बना रही हूँ मिक्स दाल। मैंने उड़द की दाल ली है काले वाली, और थोड़ी सी चने की ली है, अरहर की ली है, और सिंपल थोड़ी सी मूंग की दाल डाली है क्योंकि मसूर की ख़त्म हो गई थी। तो ऊपर से मैंने इसमें नमक डाल दिया है, और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी हल्दी। कुकर को बंद कर दिया है और अब इसे रख देंगे गैस पर। लगभग मैंने एक सीटी लगवा के 10 मिनट सिम कर दिया था, तो अपने आप रेडी हो जाएगी दाल। अब मैं यहाँ पर जितने भी छौंक का सामान है वो काट रही हूँ। प्याज, लहसुन, और लहसुन मैंने यहाँ पे 2 पोथी लिए हैं क्योंकि ये बड़े वाली है, ये हम पहाड़ों से लाए थे। मैं कितनी बार बता चुकी हूँ ना ये बात, आई एम रियली सॉरी फॉर रिपीटिंग। तो लहसुन और मैंने प्याज यहाँ पर काट लिया है सब पतला पतला, और उसके बाद हम अपना तड़का रेडी करने वाले हैं। पहले ये वाला लहसुन काटने में ना मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता, बुरा नहीं लगता, क्योंकि इसे काटना आसान है, बड़े पीस जल्दी जल्दी कट जाता है। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में डाला है घी, और ऊपर से मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जीरा और थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा हींग, और ऊपर से हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने लहसुन और प्याज में मेहनत की है वो कटे हुए हैं पतले पतले, ऊपर से मैंने डाल दिए और उसको भून लिया है अच्छे से। लगभग हमेशा की तरह जैसे मैं तड़का लगाती हूँ वही तड़का है, सिर्फ इसको चलाया है अच्छे से यहाँ पर मैंने 2-3 मिनट के लिए। उसमें प्याज हमारी हल्की ब्राउन हो जाती है, मसाले डाल रही हूँ सूखे, धनिया, हल्दी, मिर्ची और जो कुछ भी हम डालते हैं जनरली पिसा हुआ वही सब मसाला है, और उसको मैंने अच्छे से चला लिया है यहाँ पर। अब ये मसाला लगभग रेडी हो चुका है। इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर, लगभग 2 टमाटर और 5-6 हरी मिर्च लिए मैंने, वो डाल दी है इसमें, और ऊपर से डाला है नमक। नमक डालते ही ना टमाटर का टेक्स्चर एकदम चेंज हो जाता है, बहुत मशी और सॉफ्ट हो जाता है। उसको मैंने चला लिया है, थोड़ा सा पानी डाल के ढककर छोड़ दिया है लगभग 6 मिनट के लिए। इतने में हमारे जो टमाटर है वो मशी हो जाएंगे। सो मैंने चेक किया तो टमाटर काफ़ी सॉफ्ट हो गए थे, उनको मैंने हल्का सा मैश करके अपनी दाल में मिला दिया है। दाल इज़ रेडी। तो दाल को रख देंगे अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे ही, ऊपर से मैंने गरम मसाला डाल दिया था वैसे। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ राइस, ये मैंने भिगो के रखे थे पहले ही, और इसके अंदर मैंने डाले हैं पतले पतले कटे हुए बीन्स और छोटी छोटी कटी हुई गाजर, और ऊपर से डाल दिया है पानी, लगभग 1 गिलास में 1.5 गिलास पानी, और हल्का सा घी डाल दिया है उबाल आने पर, अच्छे से मिक्स कर दिया है और उसको सिम कर दिया है लगभग 10 मिनट के लिए, और मेरे चावल एकदम रेडी हो जाते हैं, बहुत खिले खिले बनते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कहाँ से आए ये चावल, तो ये हमने मंडी से लिए थे। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने एक चप्पल दिवेश की पहनी हुई और एक अपनी। तो बाहर का वेदर थोड़ा सा ग्लूमी है अभी, लेकिन मैं यहाँ पर लिख रही हूँ अनार, और ये जूस है दिवेश के लिए। अभी दिवेश वॉशरूम में है तो आएंगे तो दूंगी, जब तक देखती हूँ कि नहीं। रूरू बेबी को सुला के ये कपड़े मैं यहाँ पर अलमारी में रख रही हूँ, और मुझे दिवेश की अभी पैकिंग करनी है। उससे पहले मैं इस तरीके से हैंगर में डाल के देख रही हूँ कि उसके साथ कौन सा कपड़ा अच्छा लगेगा। ये काम मेरा ही होता है घर में कि कौन क्या कपड़े कब पहनेगा, तो मुझे दिवेश के कपड़े पैक करने थे। और रूरू बेबी भी उठ गया है काम करते करते, वैसे मैंने काम फिनिश कर दिया, बाकी मैं दिवेश से पूछती हूँ उसको ये वाले पहनने हैं तो मैं इन पर प्रेस कर दूंगी बाद में। और अभी मैंने साइड में उठा के रख देती हूँ क्योंकि वरना रूरू बेबी इन पर बैठ के इन्हें ख़राब कर देगा बिल्कुल, ऑलरेडी इन पर प्रेस है नहीं वैसे, तो एक बार दिवेश ने देख लेगा उसको अगर अच्छे लगेंगे इस तरीके से, क्योंकि आजकल वो ट्राई नहीं करता है, बहुत आलस दिखाता, तो मैंने हैंगर पे टांग के रख दिया, उसको समझ आ जाएगा। और पैकिंग मैंने खत्म कर दी है, बैग में सब कुछ डाल दिया है, टॉवल, सॉक्स, एवरीथिंग जो भी उसे वहां पे जरूरत पड़ेगी। तुम अकेले जा रहे हो मुझे छोड़ के? अकेले कहां जा रहा हूं मैं, तो 4 लोगों के साथ जा रहा हूं। अरे मुझे छोड़ के जा रहे हो? मैं अकेला। हां जी, हां शैम्पू जी, जो मम्मा और रूरू ने नाई नाई कर लिए। ओले ओले ओले, बड़ा मजा आता है ना तुम्हें छोड़ने में। ये चोरू है, ये तो कितना प्यारा है। आई गुड्डू, ये तो कितना प्यारा है। आई गुड्डू, यहाँ पे कर दूँ। ये चुके आ रही मेरे बेटे को, चलो कपड़े पहनते कपड़े। रूरू कंग्रेचुलेशंस, आपके 50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, ये वाव। अच्छा ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनो, ये क्या है, ये क्या है रूरू रूरू? अच्छा रूरू सबको वो सुना दो, क्या गाते हो आप? सारे गामा पादानी सा कौन सा केक लो ये? ऐसे बीच में फ्लो मत तोड़ा करो उसका, वो पूरे मजे से एंजॉय करती है। केक बताओ कौन सा? कोई सा भी ले लो। तुम बताओ। पाइनएप्पल मत लेना। पाइनएप्पल ना लूं? इसे भी जाना है, अभी से भी जाना है। चॉकलेट अभी अभी जाएगी तुम्हारी, जल्दी बताओ। हाँ कोई सा ले लो, ज्यादा मीठा नहीं।
तो अब बनाना है मुझे खाना और रूरू यहाँ पर अपना खेल रहा है मस्त अपनी बुक से और दादी यहाँ पर मटर छील रहे हैं क्योंकि मुझे बनानी है मिक्स वेज। तब तक मैं मसाला रेडी कर लूँगी, तब तक मम्मी मटर छील देंगी यहाँ पे। और उसके अलावा मैंने सब्जी ले ली है यहाँ पे, प्याज लहसुन टमाटर और बाकी सारे मिक्स वेज लेके उनको पतला पतला काट लिया है। और कुकर में डाल के सिंपल ऑयल डाल के यहाँ पे मैं तड़का लगा रही हूँ। एक तेज पत्ता डाला है, जीरा डालूंगी, थोड़ा सा हींग डालूंगी और ऊपर से कटे हुए प्याज और लहसुन इसमें ऐड कर दूंगी जो मैंने पतले पतले काट लिए हैं। और इसको चलाऊंगी लगभग यहाँ पे 5 से 6 मिनट के लिए। इसमें लहसुन थोड़ा ज़्यादा डाला है क्योंकि बहुत सारी सब्जियां हैं तो उनमें अच्छा फ्लेवर आता है लहसुन का, तो इसलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा डाला है यहाँ पर। और अब मैं उसको चला रही हूँ यहाँ पर जिससे कि हमारा जो मसाला है वो रेडी हो जाए। और ये लगभग भुन चुका है, मुझे 2-3 मिनट लगे इसको भूनने में। ऊपर से मैं सिंपली यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मसाले जो भी हमें रिक्वायर्ड हैं, बट मैं पहले यहाँ पर डाल रही हूँ ये चिकन मसाला बिकॉज इट इज़ नेसेसरी, इससे एक अच्छा फ्लेवर आता है। और ये बचा हुआ था, मुझे ख़त्म भी करना था वरना इसकी डेट निकलने वाली है। अब मैंने बचे हुए मसाले भी ऐड कर दिए हैं, धनिया और मिर्ची हल्दी, उसको अच्छे से चला लिया है। अब मैं ऐड कर रही हूँ ऊपर से कटे हुए टमाटर और प्याज, लगभग मैंने इसमें 3 टमाटर डाले हैं, प्याज नहीं सॉरी हरी मिर्च, और ऊपर से हरी मिर्च भी ऐड कर दी है मैंने, 5-6 हरी मिर्च इसके अंदर। इसको चला लिया है अच्छे से, नमक डाल के इसको भी ढककर छोड़ दिया है जिससे हमारे टमाटोज जो हैं वो मशी हो जाएं। और वो रेडी हो चुके हैं एकदम, अभी हम इसे छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। और ये हो गया हमारा मसाला रेडी। अब जितने वेजीज मैंने काट के रखे थे वो सब मैं इसमें डाल रही हूँ। मैंने पनीर भी मंगा लिया, ऊपर से पनीर भी डालूंगी। मटर भी मैंने ऐड कर दिया, अच्छे से चला लिया। इसको भूना लगभग 5 मिनट मैंने तेज आँच पर, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल के मिक्स किया और उसके बाद मैंने इसे रख दिया। मम्मी ने जल्दी जल्दी आटा मार दिया, तो अब मैं यहाँ पर लगभग 20 रोटी बना के मैंने रेडी कर ली है लोगों के लिए क्योंकि ये 4 लोग हैं। और ये मिक्स वेज हमारी एकदम बनके बहुत सही बनी है, रेडी हो गई थी। हल्का सा पानी डाला था मैंने। और ये जितना पनीर है लगभग इसमें है 100 ग्राम पनीर और उसको मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे हरे धनिए के साथ सब्जी में, और सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी, ट्राई ज़रूर करना, आपको अच्छी लगेगी। तुमको भी पापा के साथ जाना है? जाना है पापा के साथ? No. पापा नहीं ले जा रहे छोटे जे रूरू को? क्या दिक्कत है तुम्हें? बच्चा खा गया, देख क्या हो जाएगा। ये हाथ पे तो अभी खाया। बाय पापा, बाय डीवी, बाय ताऊ, बाय बाय ताऊ, मैं ताऊ नहीं मामा, बाय ताऊ, बाय टाटा, बाय पापा, बाय बाय पापा, बाय कर दो रूरू टाटा, मुझसे बाय कर दो पीछे कर, बाय बाय इधर इधर, बाय कर लो, जाओ जाओ, आ जाओ जाओ, दो महीने इसके क्यों जा रहे हो? उसे एडिटिंग करवाने इसलिए आ रही है। चलो निकलो, जाओ, बाय बाय, बाय बाय टाटा, बाय। Thank you.